वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज हम कपकेक बनाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट कपकेक आज हम बनाएंगे, वो भी एगलेस। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आते हैं। साथ ही साथ कुछ मैं आपको टिप्स भी दूंगी। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। 1 कप चाहिए हमें मैदा। मैदा को हमें अच्छी तरह से छान के लेना है। हाफ कप मैंने यहाँ पर लिया है दूध, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे यह दूध होना चाहिए, ठंडा दूध हमें नहीं लेना है। हाफ कप ही हमें चाहिए पीसी हुई शक्कर। आप मिक्सी में पीस के इसको तैयार कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर लिया है विनेगर। 1/4 कप हमें यहाँ पर चाहिए तेल। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर लिया है बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून हमें यहाँ पर लिया है बेकिंग सोडा। 1/4 कप हमने यहाँ पर लिया है दही और यहाँ पर हमने लिया है पाइनएप्पल एसेंस। मैदा में हमें मिलाना है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। अच्छे से हमें छान के ही लेना है। सभी को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। अब हमने एक दूसरा खाली बाउल लिया है, उसमें अब हम तेल ऐड करेंगे, उसी में अब हम दही ऐड करेंगे, पिसी हुई शक्कर भी उसी में हम ऐड कर देते हैं। सभी को अच्छी तरह से एक बार हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे विनेगर और अच्छी तरह से हम सबको मिक्स कर लेते हैं। अब जो हमने ये मैदा ली थी ना, इसमें धीरे धीरे जो हमने ये बैटर मिक्स किया था विनेगर और दूध का, ये इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और सभी को अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स करना है। सभी को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं, बिल्कुल भी जो है इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। अब जो हमने दूध लिया था ना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। थोड़ा सा दूध हम और ऐड करेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमें इस तरह का बैटर रखना है, ये देख सकते हैं आप। इस बैटर को मिलाने में पूरा दूध हमारा यूज में नहीं हुआ है, थोड़ा दूध जो है बच गया है। अच्छे तरह से हमें इसको मिक्स करना है, इस तरह हमें इसका बैटर रखना है। अब इसमें हम डालेंगे पाइनएप्पल एसेंस और सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। यदि आपके पास पाइनएप्पल एसेंस नहीं है तो आप वेनिला एसेंस भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह के मैंने यहाँ पर मोल्ड लिए हैं, ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, तो जितने में आएगा उतने में हम अच्छी तरह से भर देंगे। सबसे पहले हमें इसको ग्रीस करना है, तो सभी को हम अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं तेल से, ताकि निकालने में जो है आसानी हो। सभी को मैंने ग्रीस कर लिया है। अब बैटर को इसमें अब हम फील करेंगे, तो बैटर को अब हम फील करते हैं। इसको हमें पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा जो है ऊपर से हमें खाली ही रखना है। तो जितना बैटर हमारा आया था उतना हमने फील कर दिया है। अब थोड़े से हमने बारीक किए हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इसके ऊपर हम लगा देते हैं। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसे देखने में जो है कपकेक बहुत ही सुंदर लगेगा। तो चलिए इसको अब हम बेक कर लेते हैं। आज मैं आपको ओवन में बेक करना बताऊंगी। तो ओवन को मैंने 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्री हीट कर लिया है। ओवन अच्छा गर्म हो गया है, तो चलिए हमारे मोल्ड इसमें रख देते हैं। तो सभी को मैंने इसके अंदर रख दिया है। अब हम ढक्कन लगा देते हैं। 5 मिनट हमें फुल फ्लेम पे करना है और फिर 15 मिनट हम कम फ्लेम पे इनको बेक होने देंगे। यदि आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है तो आप कटोरी को ग्रीस करके भी कपकेक बना सकते हैं। 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। चलिए अब एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। वाव, आप देख सकते हैं कितने अच्छे कपकेक हमारे बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही अच्छी तरह से ये बेक हो गए हैं। तो इन्हें अब हम ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद ही हमें इनको निकालना है। कपकेक को हमने प्लेट में रख दिया है, तो चलिए अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छे कपकेक हमारे बनकर तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं कहीं से भी जो है फटे नहीं है। नाइफ की मदद से हमें इस तरह करना है ताकि आसानी से निकल जाए। इस तरह देखे बड़ी आसानी से जो है कपकेक हमारा निकल जाता है। वाह, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जो है जाली बनी है। ये देखे कितना अच्छा कपकेक हमारा बनकर तैयार हुआ है। इस तरह सभी को निकाल लेते हैं। इस तरह देखे सभी कितने अच्छे से और आसानी से निकल रहे हैं। अब हम बड़े वाले कपकेक को भी निकाल लेते हैं। इसी तरह हमें चारों तरफ से इसको करना है। आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी कपकेक जो है हमारा बनकर तैयार हुआ है।
अब इसे हम उल्टा करेंगे और थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे। वाह, देखिए कितना अच्छा जो है कपकेक हमारा बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह ये वाला भी अब हम निकाल लेते हैं। और इसको भी अब हम उल्टा कर देंगे। वाह, देखिए कितना अच्छा कपकेक हमारा बनकर तैयार हुआ है। कहीं से भी जला नहीं है, आप देख सकते हैं। ये देखिए सभी को मैंने निकाल दिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे जो है कपकेक जो है हमारे बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए मैं एक केक को आपको उठा के दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे बेक हुए हैं। ये देखिए कितना अच्छा प्लफी और स्पॉन्जी कपकेक हमारा बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। कपकेक को जो है हम चाय के साथ या बच्चों के टिफिन में या पिकनिक चाहे तब हम इन्हें बनाकर ले जा सकते हैं। और 4 से 5 दिन तक जो है ये खराब नहीं होते हैं। आप 4 से 5 दिन पहले भी इन्हें बनाकर रख सकते हैं। बच्चों की बर्थडे पार्टी हो तो आप जरूर बनाइए, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। मैंने आज आपको ये ओवन में बनाना बताया है। यदि आपके पास ओवन नहीं है तो इन्हें हम कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। आप चाहे कपकेक कढ़ाई में बनाएं या कुकर में या ओवन में, किसी में भी बनाएं, लेकिन एक खास टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। वो यह है कि 15 मिनट से पहले हमें उनको नहीं खोलना है, 15 मिनट बाद ही हमें चेक करना है कि ये बने हैं या नहीं बने हैं। यदि बीच में ही हम खोल के देख लेते हैं तो अच्छे से बेक नहीं होते और फूलते भी नहीं है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी। वाह, आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो है कपकेक हमारा बना है। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, कितनी अच्छी इसमें जाली बनी है, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। ये देखिए इस तरह आप घर पे इसको आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लाइक तो बनता ही है, साथ ही साथ यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।